तो भाई देखो यार, एयरपोर्ट का नज़ारा बहुत यार घबराहट हो रही है। अभी मैं आया नहीं तो एयरपोर्ट। लाइटिंग कितनी अच्छी है, लाइट है कि क्या पता। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग। तो आज हम जाएंगे दोस्तों कुछ घूमने के लिए। घूमने के लिए बोले तो मेरे दोस्त ने कुछ इनवाइट किया है कि एयरपोर्ट जाएगा, तो चलो वीडियो बनाएगा तू, इसलिए इनवाइट किया है। तो चलो साथ में चलते हैं दोस्त के, क्या होता है देखते हैं रास्ते में, और दिखाता भी हूँ। प्लेस को अभी वेट कर रहा हूँ, आ ही रहा है मेरे को लेने के लिए। देखते हैं थोड़ी देर, यहाँ पे आ रहा है मेरा दोस्त, आ भी गया है। और सुबह सुबह है, सूरज भी नहीं निकला है अभी तक, आ गया है, दिखा देता हूँ। अभी आ गया है, सभी से बैठे काय संग नको ना, बर काय येऊ लागला आई थांब, टाइम दिला 10 होता तर सात जणा ना दे मस्त नागत आहे। फ्रेंड्स हम रुके थे दलासरी में, दलासरी में रुके थे, अभी थोड़ा आगे है तोलना के आगे पे, मतलब आगे आगे थोड़े आगे। अभी जो मेरे साथ बैठे हैं फ्रेंड्स, उसका भी कुछ जान पहचान कर देता हूँ। अभी ये पीछे मेरा दोस्त बैठा है, जो इसका नाम है संतोष, जो कि खास मेरा दोस्त है। भाई को सब्सक्राइब और लाइक करिए, हमारे मार्केट के डॉन है हमारे यहाँ। अभी हम दौल नाके के आगे आ गए हमारे यहाँ, तो यहाँ का सिनेमेटिक वीडियो दिखा देता हूँ गाड़ी के बाहर का। सुबह सुबह निकले तो मतलब एकदम सनराइज अच्छा दिखाई दे रहा है एकदम जगह से, यहाँ से हम दंदलवाड़ी पहुंच गए हैं ब्रिज के ऊपर। यहाँ से भी कुछ नज़ारे दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अरे ब्लर भाई। अभी जो हम पहुंच गए हैं महालक्ष्मी मंदिर है, मतलब महालक्ष्मी टेम्पल, वहाँ के मतलब नज़दीक पहुंच गए हैं वहाँ पे, तो वहाँ का व्यूज दिखा देता हूँ। अभी यहाँ से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, गाड़ी में से तो दिखा देता हूँ। महालक्ष्मी टेम्पल अच्छा दिखाई दे रहा है एकदम, और नजदीक से दिखाऊंगा। और भाई यहाँ से क्या खतरनाक व्यू से, पहाड़ी पहाड़ है भाई यहाँ पे पूरे बड़े बड़े, और सूरज भी निकल पहाड़ी पहाड़। तो भाई कितना खतरनाक दिखा रहा है एकदम, एक चावला टेम्पल टोग्रार पन नांगा है जो मनता झाड़। भाई
आगे वाले पहाड़ तो बहुत एकदम धुंधले धुंधले दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ है लेकिन दिखाई नहीं देगा, बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है। हमने अभी तो आधा रास्ता भी नहीं तैर किया और सूरज फटाफट ऊपर आ रहा है, देखो। तो भाई अभी जो हम पहुंच गए हैं वो माँ लक्ष्मी के आगे, बहुत चारोटी रास्ते पे, वहाँ पे चारोटी ना चारोटी आगे। उसके बाद थोड़ी देर और आगे जाएंगे, दिखाता हूँ मैं। अभी जो हम पहुंच गए वो टैंकर के आगे टोल नाका है, चारोटी का टोल नाका। हम चाय पीने रुके, हाँ अभी हम चाय पीने के लिए थोड़ी देर यहाँ पे रुक रहे भाई। कोरोना के लिए मतलब कोरोना की वजह से बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, अभी मास्क मास्क पहनना पड़ता है किधर भी जाओ। अभी यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं, अभी जस्ट चाय पीने के लिए मास्क हटा देता हूँ। गरम गरम एकदम चाय दी बंदे ने, देखो क्या धुआं निकल रहा है। सो भी यहाँ रुके हैं चारोटी के वहीं पे टोल नाके पे, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है ना महालक्ष्मी टेम्पल भी जो वहाँ पे। सो अभी रुकेंगे चाय पियेंगे, अभी जब हम चाय पी रहे हैं यहाँ पे तो रुकते थोड़ी देर, बाद में निकलते हैं। बहुत ठंडी है बाहर, तो गाड़ी के अंदर तो ठंडी भी नहीं थी। फटाफट से चाय कंप्लीट करते हैं, बाद में निकलते हैं। तो अभी चाय पी रहे हैं, देखो कंप्लीट कर ले रहे चाय, बाद में निकलते हैं। हम यहाँ से निकल रहे फटाफट से, टाइम भी हो जाएगा, भाई को एयरपोर्ट पहुँचाना है। तो निकल रहे यहाँ से, नाइस गुड है, बढ़िया, खुल नहीं रहा है, खुल नहीं रहा है। तो चलो फटाफट से निकलते हैं यहाँ से, बैठ गए हैं अभी। तो हमारी गाड़ी निकल पड़ी है, देखो चल पड़ी है। बाय 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 चारोटी, चलो अभी यहाँ से निकल रहे हैं यार। रास्ते में बहुत रुकावट हो रही है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पहाड़ी पहाड़ एकदम, बहुत पहाड़ है यार, दिखा देता हूँ भाई। देखो यार पहाड़ी पहाड़ है यहाँ पे, दिखेगा नहीं फिर भी दिखा देता हूँ। देखो इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, पोट्टा स्टेशन के पीछे पहाड़ी पहाड़ बैक साइड। ओ भाई क्या खतरनाक व्यू है, पहाड़ इतने बड़े बड़े हैं, देखने लायक है। इस साइड भी बहुत बड़े, खतरनाक यार, पूरा जूम करके दिखाता हूँ, कितना खतरनाक है यार। ये भी बहुत खतरनाक है पेड़ भाई, इससे खतरनाक तो लग ही नहीं रहा है, बहुत डेंजर पेड़ है। अरे यार इतना खतरनाक दिखाई दे रहा है, पहाड़ में से पूरा रास्ता है, पूरा पहाड़ में से रास्ता है भाई। क्या यार बहुत खतरनाक था, बीच में खड़ा करके रखा ट्रक वाला। इतने बड़े हाईवे है फिर भी बहुत भीड़ है। पूरा जंगल ही जंगल है। अरे कौन सी साइड दिखाओ, पता ही चल रहा है। बात अभी नया नया साइड पूरा तो दरी दरी है, दरिया। अरे भाई वो देखो पूरा लग्जरी मुड़ रहा है, पूरा के पूरा देखो
ऐसे वैसे हो रहा है, यहाँ वहाँ बैलेंस खो रहा है उसका ड्राइवर वैसा होगा। राजस्थान से पुणे जाती है बस। हाँ राजस्थान से पुणे जा रही। ये तो हाईवे, हाईवे पे कौन कैसा चलाएगा कुछ किसी का पता नहीं भाई। ट्रक है, ड्राइवर है, ट्रक है। सो अभी चलो आगे और दिखाता हूँ। तो बहुत कोहरा कोहरा है, पता नहीं क्यों है, लेकिन प्रदूषण की वजह से ये क्या पता पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन लग रहा है। देखते हैं क्या है। अभी हम मनोहर के आ गया है, दुर्वेश। हाँ दुर्वेश सर, मेरा ससुराल है यहाँ सर। ऐसा? हाँ 7 किलोमीटर अंदर यहाँ से मेरा ससुराल है। तो भाई उस दिन जो मैंने दिखाया था, जो बाइक लेने गया था वीडियो ना तो बनाया था, तो यही जगह था, लेकिन उस टाइम में इतना ही कोहरा नहीं था। आज तो बहुत लग रहा है, पता नहीं क्या है, लेकिन ये बहुत ऐसा। भाई यहाँ का व्यूज खतरनाक दिखाई दे रहा है, ऊपर धुंध उड़ गई है, देखो लाइन जैसी हो गई, लाइन लाइन दिख रही है थोड़ी थोड़ी। रास्ते में बहुत कुछ ऐसा अच्छा दिखाने, मतलब दिखने को मिलेगा मेरे को, जो मैं आपको दिखाऊंगा। इधर गिरा था तो खोकर, यहाँ पे गिरा था क्या बारिश में? यहाँ पे अच्छा है भाई। इधर ना 2-3 महीने पहले ये खोकर गिरा था बिकी। अच्छा भाई कितना जंगल है, ये जंगली जंगल है, पूरा पूरा जंगली जंगल है। आगे बहुत खतरनाक व्यूज है, लेकिन कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा है, तो बैठे दिखाई दे रहा, फिर भी गाड़ी धुआ नहीं ना, ऊपर आ गई है, पहुंच ना उसको थोड़ा मार। तो भाई एक्सीडेंट है साला, अभी गया अभी का जस्ट लग रहा था। तो भाई वहां पे पूरा गाड़ी यार नीचे गई थी, पूरा मारुति थी नीचे यार। ये हाईवे अच्छा है, लेकिन बहुत खतरनाक ड्राइविंग होती है यहाँ पे। नेशनल हाईवे 8 पगार 260 बराबर। पूरा जंगली जंगल है, तो थोड़ा रास्ता मतलब पूरा मुड़न मुड़न है यहाँ पे यार, देखो। और इतना जंगल है तो थोड़ा रास्ता ना मतलब सड़क मतलब कम कम है, ज्यादा बड़ी नहीं है रोड। मेरे को किया ना, रोड इतनी बड़ी नहीं है भाई। हाँ मैं निकालता हूँ, देखो यार कितना जंगल है। तो यहाँ पे मंदिर है अपना जय श्री राम, एयरपोर्ट भी निकाल के देता है अंदर आपको ना, एयरपोर्ट में निकाल के देगा। 25 भी बहुत डर से लग रहा है, बहुत खतरनाक जंगल है भाई। जंगल के बाहर निकल दे फटाफट से भाई। अभी जो हम पहुंच गए वो खाली खानोड़ा पहुंच गए, खानोड़ा अपना तोलनाका है वहाँ पे। यहाँ पे पूरा जंगल में बनाया है तोलनाका यार, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, सो देख ही सकते होंगे पूरा तोलनाका जंगल में है यार, बीचों बीच बनाए ताकि कोई भाग ना सके नहीं एक ही रास्ता जंगल में। देखो कितनी गाड़ियाँ हैं यार, बहुत भीड़ होता है यहाँ पे। फटाफट से यहाँ निकल जाएंगे तो अच्छा है। नाके नहीं तो भाई हम निकल गए अपना नाके से, टोल नाके से। ओ भाई किसी की नई मारुति जा रही है, अच्छा लग एकदम। इस साइड पे टोल नाका नेक्सन, नेक्सन नेक्सन इलेक्ट्रिक गाड़ी है, चार्जिंग पे चलती है। चार्जिंग फुल चार्जिंग सोलर वाला है क्या? सोलर वाला नहीं, चार्जिंग चार्जिंग। हाँ और सह्यद्री में डाला हुआ है इसका पंप, सह्यद्री होटल में। हाँ अंदर बेस अंदर में लेफ्ट साइड में पंप डाला हुआ है, बड़ा वो फेमस है। अभी जो हम निकल गए हैं खानोड़ा, चार्जिंग हो रहा है यहाँ से कि निकाल दो? पूरा जंगल में थे यार अभी निकल गए वहाँ से, तो चलो आगे हो चुके हैं विरार में। यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या है, अभी जो विरार का फटा ये है और आगे दिखा था, आगे आए ना विरार बेस। जाओ तो फ्रेंड्स ये है विरार अपना ब्रिज है। अरे यार ये ट्रक वाला दोनों सेम लग रहे हैं,
बीच में आगे में पूरा कोहरा कोहरा दिखाई दे रहा है आगे। हाँ यार इस साइड दिख रहा है मंदिर है ऊपर ये अच्छा दिख रहा है एकदम। कितनी गाड़ियाँ हैं यार और टावर है यहाँ पे जो मंदिर है अपना विरार का शंकर भगवान है भाई। तो अभी इस रास्ते से भी फटाफट निकल जाते हैं विरार से आगे और चलते हैं। हमें तो पहुँचना है एयरपोर्ट भाई तो फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। बहुत यार हाईवे पे आज मतलब बहुत गाड़ियाँ हैं बहुत भीड़ है फटाफट से पहुँच जाएंगे तो चलो और आगे चलते हैं। तो भाई देख ही सकते हो अभी थाना पुणे मुंबई तीनों साइड मतलब दिखाऊंगा आगे। पूरा ब्रिज बन रहा है यार अभी है जो हम आए वो बोर्ड बंदर इसको बोलते हैं। हाँ फाउंटेन होटल के नज़दीक आ गए यहाँ पे है नज़दीक में दिखा रहा हूँ यहाँ पे अभी भाई ब्रिज बन रहा है पूरा और इस साइड है पूरा बड़ा वाला खाड़ी नदी वो इतरना का नदी। हाँ जो ये वाला जाता है समुद्र से टच होता है समुद्र को टच होगा ये वाली खाड़ी बहुत यार बड़ी है लंबी भी तैर के थक जाएंगे आदमी तो। वो आगे दिख रहा है भाई फाउंटेन होटल अपना जो कि मैं दिखाऊंगा आगे और भाई यहाँ बहुत भीड़ होती है क्रॉसिंग का है ना इस साइड से उस साइड जाने के लिए। फाउंटेन होटल के पास यहाँ पे यार दो रास्ते एक तो बॉम्बे साइड जाएगा जो सीधा रास्ता हाईवे है और एक ये थाना रास्ता जो फाउंटेन होटल के पास है ये ऊपर है भाई फाउंटेन होटल लिखा हुआ अभी दिख गया होगा साइड जान दे अपना सरल गाड़ी गाइस ये है फाउंटेन होटल तो गाइस ये रास्ता जा रहे अपना थाना रास्ता जो दिख रहा है फाउंटेन होटल भी नज़दीक है यहाँ पे जो हम अभी जा रहे हैं ये बॉम्बे जा रहे हैं बॉम्बे साइड ये भी पहाड़ पहाड़ में पूरा हाईवे है हाँ बॉम्बे हाँ मुंबई। हाँ तो हम जा रहे हैं मुंबई भाई तो हम जा रहे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल वन इसमें जा रहे हैं भाई। तो मैं तो बहुत यार एक्साइटिंग हूँ देखने के लिए कभी गया नहीं एयरपोर्ट। हाँ एयरपोर्ट एयरपोर्ट नहीं गए क्या? नहीं भाई नहीं गया मैं बहुत एक्साइटिंग हूँ बॉम्बे जाने के लिए एयरपोर्ट कभी भी गया नहीं नहीं गए क्या? हाँ ये भाई साहब जो है अभी ड्राइव कर रही है बहुत बार जा चुके हैं और सुबह देवा को मैंने फोन किया बोला चल भाई आएगा क्या तो बोला ठीक है मैं बोला जल्दी रेडी होना ठीक है मेरा टाइम कम है। यस बराबर है उनको जल्दी जाना एयरपोर्ट था। हाँ बराबर देखिए जो सर उनको हम लोग 6 बजे निकले होंगे घर से अभी 6 बजे अभी 9 बज गया लगता है ना 9 बजे हो गया है। हाँ 9 बजा है अभी यहाँ ब्रिज का काम चल रहा है लेकिन अभी थोड़ा कम है ब्रिज का काम चल रहा है बराबर। और यार होकर भाई भी पीछे है उनका कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। हाँ यार इनका भी ये अपने भाई साहब है जो ये ड्राइविंग बहुत अच्छे से करते हैं और ये भाई को जाना है जो ये भाई है वो अभी इनको फटाफट से पहुंचाने वाले एयरपोर्ट शिवाजी इंटरनेशनल वहाँ पे। अभी जो हम यहाँ से निकल रहे हैं और अभी बॉम्बे के अंदर फुल एंट्री हाँ अभी जो बॉम्बे के अंदर फुल एंट्री मार दी है हमने भाई जो आया है वो काश्मीरा यहाँ पे मैं पहले आ चुका हूँ लेकिन बहुत साल हो गए। ये वाड़ी में आया था तुम लोग? नहीं वाड़ी में नहीं जब हमारे मम्मी पापा यहाँ पे काम पे आते थे ना तब मैं छोटा था तब आया करता था यहाँ पे। अच्छा हाँ बहुत बार पर अभी याद नहीं इतना। अभी यहाँ पे बहुत काम चल रहा है भाई बहुत मैं तो मतलब जमाने में आ रहा हूँ देखो यार कितना बदलाव हो रहा है फटाफट। तो ये कितने ढलान है यार यहाँ पे ब्रेक दबाने की बहुत जरूरत है।
होटल आ गए, पता नहीं क्या है। ये होटल का नाम है दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार, तो भाई दिल्ली दरबार यहाँ पे आ गया यार, बॉम्बे में दिल्ली दरबार लगा है। हाँ देखो यार, ये बिल्डिंग एकदम से रेडी हो रही है, खतरनाक की अभी है यार। अभी जो यहाँ पे दिख रहा है पूरा बॉम्बे कितना किलोमीटर बाकी है, नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है, 50 किलोमीटर लिखा था, तकरीबन 50 था। यहाँ पे यार बहुत बिल्डिंग ही बिल्डिंग है हर जगह। यहाँ घूमने आना है ना तो सुबह आना पड़ता है। हाँ, सच में पूरा दिन लगती है। हाँ पूरा दिन निकल जाता है ना। आपको एरिया घूमना है ना तो सुबह आना पड़ेगा। सुबह में 6 बजे तक पहुँच जाओ तो आपको पूरा एरिया घूम सकते हैं। मतलब ये एरिया तो आपको 6 बजे क्रॉस करना ही है तो आप पूरा एरिया घूम सकते हैं। अच्छा, सिद्धि विनायक है, गेट ऑफ इंडिया है, जो कुछ जो बीच है, हेलीपैड देखना है, एयरपोर्ट देखना है, तो सुबह आना पड़ेगा। बराबर। तो भाई जैसा कि बोल रहे हैं, ये बहुत बार गए, मतलब इनको पता है बॉम्बे का अच्छी तरह से नॉलेज है, बहुत घूमते हैं। तो हम भी इनके साथ आज जा रहे हैं। देख सकते हैं कितना बिल्डिंग है यहाँ पे यार, गांव में ऐसा देखने के लिए मिलता है, लेकिन इस साइड में बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा। बॉम्बे का बात ही कुछ अलग है। हाँ, ये पूरे है। ये ब्रिज है ना, मेट्रो का काम। हाँ, ये भाई ब्रिज बन रहा है जो अभी मेट्रो ट्रेन के लिए। पूरे इंडिया में बॉम्बे का पहला नाम आता है यार, बराबर सिटी के हिसाब से। हाँ सिटी के हिसाब से यार, यहाँ लेकिन पब्लिक ही इतना है ना। हाँ बॉम्बे में सब इंडिया पे सबसे पहले तो बॉम्बे ही दौड़ती है, कुछ बनना है कुछ करना है तो। माया नगरी। हाँ माया नगरी, माया नगरी बोलते मतलब पैसे का। हाँ पैसे का शहर सबसे बड़ा बॉम्बे। फोटो लगाया ना ये भाई अभी जो यार, ये क्या चल रहा है पता नहीं, मेट्रो के लिए रेडी हो रहा है सब ये मशीन। एसी बाथरूम में भाई देखो, यहाँ पे एसी एसी टॉयलेट बनाया है भाई अपना मोदी जी का। और यहाँ पे भाई देखो, हाँ हाँ यार, मेरे लिए तो बहुत देखने लायक है यार, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो इस साइड में, पहले भी आया हूँ लेकिन याद नहीं है मेरे को यार बहुत। यहाँ पे तो ये वाला मेट्रो तो मेट्रो ना चालू है, ये वाला चालू है भाई। तो भाई देखो यार, हम कहाँ पे आए हैं वो पता चल जाएगा इस स्पॉट पे देखने के बाद। अभी दिख रहा है यार, अंदर ही जाना पड़ता है अभी तो, कम से कम अपने को 20-25 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। हाँ बराबर। तो स्टार्टिंग हो गया अभी मुंबई का। यहाँ पे मतलब सिटी में नया आदमी आएगा तो बहुत उनके लिए खतरा है, समझो थोड़ा तो समझ में नहीं आएगा। रात को आया लोड कर रहे हैं। हाँ भाई देखो यार, ट्रेन नहीं जा रही है पर अभी लग रहा है आएगी। ओके तो क्या चला, हाँ होकर चला लाए तो क्या होकर चला। तो भाई ये यहाँ पे लिखा है दहिसर, तो यहाँ पे यार बॉम्बे में यार बहुत ट्रैफिक होता है। 10:30 का फ्लाइट है अभी। यस यस यस, उनका फ्लाइट भी है यार, बहुत जल्दी अभी दौड़ना पड़ेगा वहीं पे। यहाँ पे यार बहुत बोर्ड लगे हुए हैं जो पढ़ना जरूरी है यार, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ही प्रॉब्लम खड़ी कर देती है क्या नहीं इस पूरा छोटे रास्ते। आधा घंटा लगेगा, हो जाएगा हो जाएगा। आप तो यहाँ के पहचान वाले हो ना। पहचान वाले नहीं, पहचान तो ऐसा बॉम्बे को थोड़ा बहुत घूमे फिरे ट्रैफिक के हिसाब से। भाई वो डालो ना गूगल पे, देखो कितना दिखा रहा है ट्रैफिक। हाँ हाँ देखो, चेक करो मोबाइल में। ओकर मोबाइल पे डालना यार, बहुत ट्रैफिक है। ट्रैफिक कितना दिखा रहा है, कितना मिनट का ट्रैफिक दिखा रहा है पता है। टावर भी कैसे खड़े कर दिए भाई, खोल के दे मेरे को फटाफट। तो भाई यार बॉम्बे का मैं पूरा फुटेज दिखाऊंगा एयरपोर्ट पे भी। इनको जूता भी लेना था, क्या करेंगे यार। मेरा दो पार्ट में डिवाइड होगा वीडियो, क्योंकि आने जाने का अलग से अपलोड कर दूंगा इसलिए।
लंबी और थोड़ी वीडियो आ जाएगा तो और दिखा देता हूँ, क्योंकि खतरनाक व्यूज दिखाई दे रहा है मेरे लिए तो। यार आप भी इंजॉय करो वीडियो का यार। यो का मेट्रो था ना स्टेशन है मेट्रो का ये भाई, मेट्रो का स्टेशन है पूरा इस उसके अंदर बोरोली स्टेशन है पूरा भाई। मेरे को पता नहीं लेकिन भाई साहब थोड़ी मदद कर रहे मेरे को। पूरा यार बहुत लंबा है यार, ऊपर ही पूरा है, नीचे नहीं ऊपर ऊपर। बिल्डिंग्स भी देखो यार कितने बड़े हैं यार, पूरा जूमिंग करके दिखा देता हूँ आपको यार, कितना चमक रहा है देखो। अरे तो गाड़ी से ले रहा ना, क्या नाम है पता नहीं, NRD ऐसा कुछ है। अरे यार ज़्यादा जूम हो गया, 35 मिनट का रास्ता दिखा रहा है गूगल पे। हाँ भाई तो भाई 35 मिनट का रास्ता दिखाई दे रहा है गूगल पे। यहाँ पे फिर भी हम पहुँच जाएंगे, पता नहीं चलता, बहुत जल्दी भी जा सकते हैं। देखो आधार बंद करो यार, अरे इसका जूता लेने का था, कहाँ खड़ा करे अभी। तो भाई साहब को थोड़ा जूता लेना है भाई, तो बड़े है ना दुकान ये भाई। देखो ये भी कितनी बड़ी बिल्डिंग यार, बॉम्बे में मतलब बहुत यार बिल्डिंग बड़ी बड़ी देखने को मिली, हमारे यहाँ तो बिल्डिंग है ही नहीं ना। मतलब रेलवे मेट्रो का यहाँ पे भी स्टेशन है बहुत बड़ा, जगह जगह पे है यार, जैसा हमारा नॉर्मल ट्रेन का रहता है ना वैसा ही। बराबर ना यार, मतलब इतना बढ़ गया है ना। हाँ इसके वजह से इन लोग ने मेट्रो चालू किया कि थोड़ा पब्लिक है जो कार में जाती है। हाँ तो स्टेशन से मेट्रो रोड पे कम भीड़ हो जाए, इसके लिए ट्रैफिक इतनी लग चुकी है, पुलिस भी हैरान हो जाती है और सिग्नल भी कभी कभी बंद हो जाता है। हाँ इलेक्ट्रिक है ना, बोल नहीं सकते, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो भाई मैं यार गाड़ी में बैठ के पूरा ले रहा हूँ, क्योंकि बाहर उतर ही नहीं सकता, बाहर नहीं निकल सकते यार। हाँ यार शोर भी बहुत आएगा ना बाहर का, प्लस ना किसी का डंडा भी लग जाएगा। हाँ प्लस हो जाएगा, उतना डिस्टेंस नहीं ना, सब 3-4 गाड़ी एक साथ एक लाइन में। बराबर बराबर, ये फिर आ गया यार अपना स्टेशन रेलवे का। अरे सॉरी हाँ, ये अभी अभी आया बोर्ड स्टेशन, क्योंकि बोरौली का बड़ा वाला ये वीडियो मतलब ऐसी होगी कि जो गांव में है उसको कुछ पता नहीं है बॉम्बे का, तो कुछ तो देख के कुछ नॉलेज आ ही जाएगा और देखेगा तो अच्छा लगेगा कि नहीं। बराबर किसी के पास जाने का ये नहीं है तो हाँ वीडियो देख के भी मजा ले। हाँ हाँ इसके लिए वीडियो बना रहा भाई, तो इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब तो होना चाहिए, तो होना चाहिए। yes. सब लोग सिटी के लोग भी करते हैं, ये गांव का लड़का है इसको सब्सक्राइब जरूर करें। अपने इधर के लोग तलासरी वाले, पालघर वाले, वसई वाले, विरार वाले, जवार वाले, तलवाड़ा वाले, नासिक वाले। भाई यार मैं एक आदिवासी लड़का हूँ जो ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है, तो मेरा चालू ही है भाई, मेरे को यार सपोर्ट करो यार भाई, इसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी बहुत करूँगा यार। देखो मैं कैसे आज सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ भाई मेरे को बॉम्बे जाना था। हाँ मैं इसको बोला भाई चल घूमने, तेरा ब्लॉगिंग भी हो जाएगा तो घूम के भी आएगा। हाँ बराबर, तो अभी और इसके साथ इसको मैं अभी नया नया एरिया घुमाने वाला, जैसा पूना रहा, किधर रहा, सूरत जाने वाला रहा, मार्केट बार्केट। हाँ हाँ इसका वीडियो जरूर देखना, क्योंकि तुमको नया नया एरिया देखने मिलेगा। बराबर ये भी आ गया है सेशन, इसकी जी मोबाइल की जो आग देख रही है ना, वो आग आप आपकी आग भी वही देखेगी। हाँ बराबर यार, बहुत नया बंदा है, जरा बोल नहीं पा रहा है। हाँ लेकिन आगे जाके सीखेगा, बराबर है कि नहीं। हाँ बराबर है, राइट राइट, नया बंदा तो है भाई। मुझे ये जो भाई है मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं कहीं पे भी लेके जाके, भाई सपोर्ट तेरे लिए मेरा। हाँ हाँ सही यार, एक मतलब आदिवासी लड़का कितना आगे जाएगा और जा सकता है ये मतलब दिखाएगा कि नहीं। आज ना कल तो व्यूअर्स बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे। यस यस, तो
हम पहुंच गए हैं, वो देख सकते होंगे कहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कितना यार, ये बोल रहे हैं कि पहाड़ गिरता है इसलिए कुछ ये बनाया है, देख सकते होंगे पत्थर है इसलिए खतरनाक से अठिंद है। ये दगड़ का चुनल हम करना है तो ये होल पार्ट अच्छा बराबर ताचो तो पाउडर तो पड़नो तमा होल में मंगा भाई देख ही सकते होंगे ये पूरा पहाड़ मतलब गिर ना जाए इसलिए मिट्टी बिट्टी इसलिए ये सब बनाए भाई। यार अभी भी आधे रास्ते में ये इतना बड़ा बिल्डिंग है यार, ऊंची ऊंची ऊपर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का कुछ मालाड़ आए हम भाई कि कहाँ पता नहीं, हाँ मालाड़ स्थानक वहाँ पे दिया है भाई, दिखाई देता हूँ यहाँ पे मारवे मनावली मालाड़ स्थानक सब दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया उड़ान पुल तो यहाँ पे दिया है भाई उड़ान पुल के लिए, ऐसा कितने भीड़ है यार, मतलब बॉम्बे में आने का मतलब एक गांव का लड़का बॉम्बे में मतलब सिटी में आएगा तो रिस्क का काम ही है। यार बज गए 9 बज गए, सुबह सुबह निकले थे तो भाई यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, देखो फिर बिल्डिंग ही बिल्डिंग है पूरी बड़ी बड़ी, वो भी कितने मालिक है मैं पता नहीं, बहुत यार ऊंची है पूरा जूम करके दिखा रही है यार, अभी भी यार ख़त्म नहीं हो रहा है देखो ये जो मेट्रो का है, ये इतनी गाड़ियां है देखो यहाँ से पूरा जूम करके दिखा देता हूँ, ये पूरा इतना भीड़ है इतना ट्रैफिक है तो भाई ये देख सकते होंगे ओब्रॉय मॉल ऐसा लिखा है फिल्म सिटी के लिए रास्ता है ये, इस साइड नीचे है लेकिन हम आए गए ब्रिज के ऊपर। अभी यहाँ और देख सकते हैं कितना बड़े यार बिल्डिंग है, कितना बिल्डिंग देखी है बहुत यार, हाँ यार देखो फिल्म सिटी है ना इसलिए खड़ी है वैनिटी शूटिंग वालों की देख ना बिल्डिंग, इतना बड़ा बिल्डिंग यार देखो इससे सूरज भी पूरा ढक गया ऐसा लग रहा है, और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है भाई कितना मीटर का मतलब ये देखो देखने लायक ही नज़ारा है भाई, साइड का भी दिखा रहे हैं। हेलो भाई देख सकते हैं यहाँ से क्या नज़ारा है, तो भाई यहाँ का कुछ अच्छा नज़ारा है क्योंकि मेरे को पेड़ पेड़ दिख रहे हैं तो जंगल मेरे को पसंद है थोड़ा पेड़ पहाड़ रहते हैं भाई देख सकते हो कितना अच्छा नजारा है, अभी जो दिखाऊंगा वो यार कुछ ध्यान रखो कहाँ कहाँ जाने का वो है पूरा, यार यहाँ पे तो बॉम्बे में ब्रिज ही ब्रिज है पूरे मोटे मोटे, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा ब्रिज कहाँ जा रहा है, अंधेरी आ लेगा फोन हाँ अभी जो हम आए हैं वो अंधेरी भाई नहीं तो अभी बाकी है भाई अंधेरी के लिए, क्या यार मतलब क्या ये क्या टावर लगा रखे है क्या यार बहुत खतरनाक, मत तार ही तार है ऊपर तो यार ट्रैफिक भी कितना देखो यार इतना लंबा है, तब तक मैं स्टॉप कर देता हूँ भाई। हम पहुँच गए हैं अंधेरी, अभी लेफ्ट टर्न ले लिया है जो नीचे ब्रिज के, और ये मेट्रो का है अभी ख़त्म ही नहीं हुआ चल ही रहा है बस चल ही रहा है, अभी थोड़ा यहाँ पे 5-10 किलोमीटर रुकेंगे कहीं पे। भाई हम पहुंच गए पुल के नीचे, बड़ा दिख रहा है कितना यार, ये है मेट्रो का स्टेशन, ये भी इधर बहुत बड़ा है इसके लिए पूरा ब्रिज दिख रहा है ब्रिज ही ब्रिज,
कितने यार कितने बिल्डिंग मतलब है यार हर जगह देखो। तो भाई उधर से हमने ये लेफ्ट साइड लिया था टर्न, तो अभी देख सकते होंगे मैप में कितना दिख रहा है एयरपोर्ट, जस्ट 450 मीटर ही है। भाई भाई इसको जूते का दुकान खोज रहे, जूता लेना है तो इधर है, क्या करने का नहीं दिख रहा है। जूते लेना है ना आपको कि नहीं, जूता लेना है क्या आपको? देख रहा है यार, थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पे। हम पहुंच चुके हैं अंधेरी ब्रिज के नीचे, अभी आएगा हाँ नजदीकी एयरपोर्ट यहाँ से दिखेगा शायद। हाँ अभी आ गया है, दिखेगा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड भाई यहाँ से लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड है, जो आगे बोर्ड दिख रहा है वही पे भाई, जो वो वाला बोर्ड दिख रहा है भाई यार। ये वाला बोर्ड भाई। सो अभी यहाँ से आ गए हम, देख सकते हो भाई एयरपोर्ट शिवाजी, तो यहाँ पे है शिवाजी महाराज का पूरा, यहाँ पे देख सकते होंगे दिख रहा है शिवाजी टर्मिनल लिखा हुआ पूरा। ये एयरपोर्ट का नजारा मतलब रास्ता है जाने के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ गेट नंबर 9, एक नंबर यार, एक नंबर देखने की देखने लायक है। देखो अभी यार देखो ये पूरा है बोर्ड, लोकल ट्रेन तो कोई बहुत अच्छा यार नज़ारा है यहाँ पे एयरपोर्ट जाने के लिए, रास्ते में दिखता है अच्छा अच्छा पूरा कंपाउंड बना दिया है पूरा एयरपोर्ट पे जा रहा है भाई। हाँ गारंटी गारंटी, खाली खाली लग रहा है। देखो यार बोर्ड लगा है अपोलो टायर्स, साइड का भी दिखा देता हूँ क्या हाल। ये अपना साइड का जो वहाँ से आगे वो, और ये है अपना यार देखो कोची जाने का गेट डोमेस्टिक का है सीधा जाने का, अभी तो 15 मिनट बाकी है ना, 15 मिनट बाकी है। क्यों बन गया ना? तो भाई अभी अंदर ही दिखाऊंगा मैं पूरा, चलो लेट्स गो। देखो यार नजारा एयरपोर्ट का वीडियो में दिखा था लेकिन कुछ चले लगे नजारा, इतना अच्छा है यार, वाव देखने लायक, देखने लायक, देखने लायक। 9 नंबर कौन सा 9 किधर है? आगे अभी यहाँ से मैं कंटिन्यू वीडियो शूट करूंगा भाई। 9 नंबर गेट में जाने में कितना अच्छा दिखाई दे रहा है भाई, बड़ा भरते क्या दुकान आ रहा है दुकान। तो भाई देखो उस साइड में पूरा मार्केटिंग दिख रहा है कुछ नहीं, अंदर जाने के लगता है पूरा कांच ही कांच लगा है उस साइड दिख रहा है। 9 नंबर 8 8 8 8 सात लास्ट 9 नंबर किधर गया? 2 मिनट
भाई दो नंबर, दो नहीं नौ नंबर खोज रहे। पार्किंग लगाना पड़ता है। पार्किंग में डालना पड़ेगा गाड़ी, तो आ सकते ना अपन भी। बीएसएफ का पूछा ना जब उतर मिपन जैकेट ठेवले हा गाड़ी लेके आ। हां चलो गाड़ी लेके आ गया भाई। ए हम कांच लावे का कांच ये मोबाइल को मोबाइल देता है ये एक मिनट में आ रहा। तो भाई हम पहुंच गए एयरपोर्ट, देख ही सकते होंगे। तो भाई देखो यार एयरपोर्ट का नज़ारा बहुत यार घबराहट हो रही है, कभी मैं आया नहीं तो एयरपोर्ट। लाइटिंग कितनी अच्छी है, लाइट है कि क्या पता चालू है लगता है। कितना अच्छा है वहाँ पे बर्गर किंग ऐसा दिखाया वहाँ पे। अच्छा लग रहा है वो। वापस आ रहे भाई साहब, क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ, वापस आ रहे। चल यार नहीं छोड़ने दिया है उसको यार, अभी छोड़ दिया है, अभी वो तो जा रहे निकल रहे। देखो वहाँ पे गए हैं पीछे, हम भी थोड़ी देर रुकते हैं बाद में चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ का कुछ व्यूज़ दिखा देता हूँ, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आया तो। जैसा कि देख सकते होंगे कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे एयरपोर्ट पे आके, पूरा खतरनाक व्यू है यार, दिखा देता हमें। लेकिन यहाँ पे मास्क पहन के रहना पड़ता है एयरपोर्ट, बोले तो यार बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब नियम को फॉलो करना भी पड़ता है। चलो और आगे चलते हैं इसको, तो लगा यार उधर जा रहे लेकिन लेकिन उनको कागज चेक हुआ है उनका, अभी टर्मिनल वन में जाना है, उधर ही जा रहे अभी। चलो आगे और देखते हैं। वहाँ पे गाड़ी लगा दी है भाई साहब ने, अपना बाइक लग गया लगता है, वहाँ से फटाफट जाना पड़ेगा। तो भाई देख ही सकते हो यहाँ पे अपना टिकट चेक होगा, कुछ रिजर्वेशन, टिकट रिजर्वेशन हो रहा है भाई। तो भाई मेरे को पता नहीं, दौड़ रहा पीछे पीछे। थोड़ा लेट झाला ना बरोबर। फटाफट चलो बैठते हैं। चलो इनका फ्लाइट, फ्लाइट के लिए टाइम भी हो गया है, बाहर निकलना पड़ेगा हाईवे पे कहीं। हाँ तो हाईवे तो मालूम है मेरे को, मालूम है दिक्कत से ये होते ना जाओ वजह से, तो ना होते कंप्लीट प्लेन होते। अब चलना मंगा कर नहीं अच्छा ना, अच्छा नांगा 20 मिनट अच्छा उड़े का ना नांगा। तो भाई एयरपोर्ट पे तो पहुंच गए लेकिन चांस मिलेगा कि नहीं क्या पता। ऊपर हाथ टूटा ना, हाँ ऊपर फिर प्लेन दिख रहा है भाई थोड़ा थोड़ा। कोई वादा नहीं, यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट से बाकी है। नहीं कोई वादा नहीं, अपन घुसा लेकर नहीं टेंशन मत ले यार, फ्लाइट के लिए थोड़ा जा रहे हैं। वो दिख रहा है वो टर्मिनल वन है। हाँ हाँ तो भाई यार क्या नज़ारा है देखो, उड़ रहा बस से निकल गए, मतलब दूसरे नंबर पे जाना था हमें, एक नंबर पे जाना था, दो नंबर पे। हाँ दो नंबर पे जाना था, एक नंबर पे आ गए थे, दो नंबर पे जाना, एक नंबर पे जाना था दो नंबर पे। हाँ बराबर, एक नंबर पे जाना था दो नंबर पे आ गए, तो अभी एक नंबर पे वहीं पे जा रहे हैं।
चलो रास्ते में और दिखाता हूँ, वहाँ का तो दिखाया नहीं पाया क्योंकि ज़्यादा देर रुके ही नहीं ना, तो कहाँ दिखाऊँ, अभी वहीं पर दिखाता हूँ। एक एक दो नंबर है ना, दो नंबर है, हाँ दो नंबर टू एक नंबर है। टेंशन नहीं, हम तुमको अंदर बैठा के आएंगे, ढाई सौ रुपये पार्किंग का थोड़ा लगेगा दादा, अंदर नहीं पार्किंग करेंगे, आराम से बैठाएंगे, रात को कोई चिंता नहीं ना। एयरपोर्ट टर्मिनल एयरपोर्ट, हाँ ये टू पे है, वो देखो लिखा है, हाँ तो यहाँ पे एयरपोर्ट टर्मिनल वन लिखा है, इसी में जाना है हमें, रास्ते में रुकावट नहीं चाहिए भाई। ये भाई यहाँ पे जाना था हमें, तो तुम्हें चले गए, चलना वहाँ का भी थोड़ा सूट कर लिया, हाँ अच्छा चलो अभी वही चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, मिलते हैं सेकंड वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी, यहाँ से घर तक पहुँचेंगे वो वाली।